नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपेश सिंह चौहान और आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सिंह अकेडमी पर। दोस्त, आज हम सीखने जा रहे हैं शॉर्टकट कीज के बारे में। जी हाँ, कंप्यूटर की कुछ शॉर्टकट कीज होती है जिससे अपन शॉर्टकट में काम कर सकते हैं कीबोर्ड की सहायता से। तो चलिए आइए हम सीखते हैं आज शॉर्टकट कीज के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगा, सबसे पहली की होती है कंट्रोल प्लस ए। अगर अपन कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, सेलेक्ट ऑल। जी हाँ, कंट्रोल और ए को हम एक साथ दबाएंगे तो हमारा होगा सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल के साथ में ये दबा दो आप, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की मैं बात करूँ कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से होता है बोल्ड। जी हाँ, फॉन्ट के और अक्षरों को हम गहरा करने के लिए कंट्रोल बी का यूज करते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी करना। अगर हमें किसी फाइल को या किसी टेक्स्ट को कॉपी करना होता है, ठीक है, तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल सी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कंट्रोल प्लस डी। तो कंट्रोल प्लस डी का मतलब होता है डिफॉल्ट फॉन्ट सेट, फॉन्ट की सेटिंग को बदलना। इसके बाद मैं बात करूँ कंट्रोल प्लस ई। तो कंट्रोल प्लस ई में होगा सेंटर। जी हाँ, फॉन्ट को पेज के बीच में लाना, मतलब सेंटर अलाइनमेंट एमएस वर्ड के अंदर काम में आएगा। कंट्रोल प्लस एफ की मैं बात करूँ तो किसी शब्द को खोजने के लिए हम क्या है, कंट्रोल प्लस एफ को प्रेस करते हैं, इसका मतलब होता है फाइंड। कंट्रोल प्लस जी का मतलब होता है किसी लाइन या पेज पर जाना हो तो आप कंट्रोल प्लस जी दबाकर उस लाइन या पेज पर जा सकते हो। गो टू। कंट्रोल प्लस एच का मतलब हुआ किसी वर्ड को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो अपन प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस आई का मतलब हुआ शब्दों को थोड़ा सा तिरछा करना चाहते हैं, मतलब इटैलिक करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस आई हम प्रेस कर देंगे। इसके अलावा कंट्रोल प्लस जे की मैं बात करूँ, पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर करने के लिए हम जस्टिफाई का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस के की मैं बात करूँ तो हाइपरलिंक, एक फाइल या डॉक्यूमेंट को दूसरे फाइल या डॉक्यूमेंट से हम लिंक करते हैं, तो कंट्रोल प्लस के दबाते हैं। इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। कंट्रोल प्लस एल की मैं बात करूँ तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, फॉन्ट को पेज के लेफ्ट से शुरू करना। जी हाँ, तो लेफ्ट साइड से अगर आप शुरू करना चाहते हो अपने पेज के लेफ्ट से, फॉन्ट को स्टार्ट करना है तो लेफ्ट साइड से, तो कंट्रोल प्लस एल दबाना लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल एम की मैं बात करूँ तो इंडेंट को बढ़ाने के लिए, इंडेंट को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस एम को हम प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस एन हम की यूज करते हैं जब हमें न्यू फाइल ओपन करनी होती है। जब हमें न्यू फाइल ओपन करनी है तो हम कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे। कंट्रोल ओ के अंदर पहले से सेव फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन का यूज करते हैं, इसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस पी, पेज को प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी दबाते हैं। कंट्रोल प्लस आर, राइट अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइन टेक्स्ट राइट, इसका मतलब हुआ कि फॉन्ट को राइट से हम शुरू कर सकते हैं। जैसे उर्दू लैंग्वेज हम लिखते हैं तो राइट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं, तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस आर दबा के इसको हम काम में ले सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस, फाइल को सेव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस टी, लेफ्ट इंडेंट से, लेफ्ट साइड से लिखने के स्पेस को कम करता है। ठीक है, स्पेस कम करता रहेगा, लेफ्ट साइड को बढ़ाता रहेगा थोड़ा सा। कंट्रोल प्लस यू, अंडरलाइन करने के काम में आता है, किसी लाइन या पैराग्राफ को अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल प्लस यू दबा दो। सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल प्लस यू दबाओगे वो पैराग्राफ या लाइन अंडरलाइन हो जाएगी। कंट्रोल प्लस वी की मैं बात करूँ, पेस्ट करने के काम में आता है हमारे, कॉपी करने के बाद में इसको पेस्ट करना होता है, कट करने के बाद पेस्ट करना होता है, तो कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल डब्ल्यू की मैं बात करूँ तो फाइल या डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए हम कंट्रोल डब्ल्यू का यूज करते हैं। कंट्रोल एक्स की मैं बात करूँ तो कट करना, इसका मतलब फाइल को कट करने के लिए, फाइल डॉक्यूमेंट लाइन या पैराग्राफ को कट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं। कंट्रोल वाई की मैं बात करूँ तो रीडू करना, ठीक है, और कंट्रोल जेड की मैं बात करूँ तो अंडू करना। ठीक है, रीडू और अंडू में क्या होता है कि अंडू जैसे पहले वाला स्टेप को वापस लेके आना चाहते हो तो अंडू यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड दबाते हैं। ठीक है, और रीडू की मैं बात करूँ तो आगे वाले स्टेप को वापस लेके आना चाहते हो, जो हमने आगे स्टेप कर दिया, ठीक है, उसको वापस लेके आना चाहते हो, ये होता है कंट्रोल प्लस वाई रीडू। ओके, तो आज की हमारी शॉर्टकट कीज पूरी होती है।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो तथा अन्य लोगों को भी आप हमारे चैनल के बारे में बताएं ताकि उनको भी हमारे कंप्यूटर नॉलेज उनको मिलती रहे। धन्यवाद।